अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 2.8 क्लास 10 सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, फाइंड टू इंटीजर्स हूज डिफरेंस इज 4। क्या आपने दो इंटीजर फाइंड करने हैं जिनको जो जिनका डिफरेंस जो है उनको माइनस करें तो 4 आता है, एंड द हूज स्क्वायर डिफर बाय 7 2। और अगर उनका स्क्वायर लें और इनको माइनस करें तो 7 2 आता है। आपने वो इंटीजर फाइंड करने हैं, तो यहाँ हम लेट करते हैं, लेट द इंटीजर, लेट द इंटीजर्स बी एक्स एंड वाई। हम सपोज करते हैं हमारे पास इंटीजर है वहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम इनको माइनस करें यानी कि एक्स और वाई को, तो ये आता है हमारे पास 4। इसको एक पीछे मान कर नाम देते हैं। सेकंड दिया अगर हम इनका स्क्वायर लें और फिर इनको माइनस करें तो आता है हमारे पास 72। हमने मालूम करना है इंटीजर्स। अब आपने करना क्या, इसमें से ना आपने यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो आपके क्वाड्रेटिक है, एक हमारे पास लीनियर है, यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल इसको यहाँ पर करना है आपने। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, यहाँ पर माइनस y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 + y, इसको नाम दें थर्ड इक्वेशन का। अब लिखना है पुट x इक्वल 4 + y इन इक्वेशन नंबर 2। क्या आपने मान में से x की वैल्यू निकाल ली, इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, जहां जहां x है वहां पुट करना है 4 + y, तो आएगा 4 + y का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 72। अब ये जो पावर 2 है ना, ये हमारे पास होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। यहाँ आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड का माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो ये 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16, वाई का स्क्वायर 2 4 8y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब यहाँ हमारे पास प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपका 16 प्लस इक्वल टू हमारे माइनस हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे हमारे पास ना 8y इज इक्वल टू 72 माइनस 16। अब आपने 72 में 16 को माइनस करना है, तो यहाँ से कैरी 12 में 6 आपके 6 आ जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ आप रहेंगे 6 में से 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपका 8 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा y इक्वल टू आएगा 56/8, 8 1 8 8 7 56, y इक्वल टू आएगा 7। अब आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। अब आपने y इक्वल टू 7 पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आएगा पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3, तो आएगा x इज इक्वल टू 4 + 7, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 11 आएगा। अब हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या होंगे, यानी x आपका 11 है और y हमारे पास 7 है, तो लिखना है रिक्वायर्ड इंटीजर्स हमारे पास x 11 है और y हमारे पास 7 है। अगर हम इनका स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 11 में 7 निकाल देंगे 4 आएगा, अगर स्क्वायर लेके माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 72, यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड दी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हूज पेरिमीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहे हैं हमें मालूम करना है डायमेंशन, मींस कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है आपने रेक्टेंगल की, जिसका जो पेरीमीटर है हमारे पास 80 दिया हुआ है, जो एरिया दिया है वो आपका 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पहले बनाते हैं रेक्टेंगल,
ये हमारे पास रेक्टेंगल है, हम कहते हैं ए है, ये साइड बी है, सी है और डी है। हम कहते हैं ये आपके एक्स का, ये हमारे पास वाई है। देखिए आप, लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेट एक्स एंड वाई आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, इसका जो पेरीमीटर है वो आप एडी दिया हुआ है, जो एरिया दिया वो 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब पेरीमीटर कितना दिया है, 80 है। लेंथ क्या दिया हमारे पास, एक्स है और विड्थ वाई है। यहां आपका जो 2 है मल्टीप्लाई किया डिवाइड होगा 80 ओवर 2 x प्लस y। अब 2 1s आर 2 4s आर 8 2 3s आर, देखिए यहां आएगा 40 इज इक्वल टू x प्लस y। इसको लिख दें इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड दिया हमारे पास ना, सेकंड का हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब एरिया क्या दिया है, एरिया दिया है 375। लेंथ क्या दिया हमारे पास की, एक्स है, विड्थ क्या है, वाई है। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप इसमें करना क्या है, अब ये हमारे पास कह सकते हैं लीनियर आरबीटी है, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के इसको यहाँ पुट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी वैल्यू आएंगी, तो आपका आंसर ये आपने इसे जो आगे वाला पार्ट है वो आपने खुद करना होगा, ठीक है। तो आपका भी डाइवर होगा एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया है 9 and 10। आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है वो आगे से खुद आप देखो कंप्लीट करना है, जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 या 9 है वैसे ही आपके लिए बना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।